विलियम ने जब साइकिल का पैडल घुमाया तो टायर से अटैच डायनेमो भी घूमने लगा। इस क्रिया से बिजली पैदा हुई और साइकिल के आगे लगी लाइट जलने लगी। विलियम यह देख हैरान था, क्या बिजली को इतनी आसानी से बनाया जा सकता है? क्योंकि विलियम के गांव में अभी तक बिजली नहीं थी। उन्हें रात को पढ़ने के लिए लैंप का ही इस्तेमाल करना पड़ता था, पर वो बेचारे गांव वाले इतने गरीब थे कि लैंप के लिए केरोसिन खरीदने का भी पैसा नहीं था। वो साइकिल विलियम जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के टीचर की ही थी। उसने टीचर से पूछा, ये डायनेमो कैसे काम करता है? टीचर ने बताया, आप ऐसा मानो कि डायनेमो के अंदर एक छोटा सा आदमी बैठा है जो लगातार अपने हाथ मसल रहा है, और हाथों को मसलने से जो गर्मी पैदा होती है उसी से बल्ब जलता है। लेकिन विलियम के लिए यह काफी नहीं था, उसे विस्तार से जानना था कि आखिर डायनेमो को बनाया कैसे जाता है। टीचर ने सलाह दी कि लाइब्रेरी में इसके बारे में पुस्तकें मिल जाएगी, आपको पढ़नी चाहिए। फिर क्या था, विलियम के जुनून ने कुछ ही दिनों में एनर्जी से संबंधित सारी पुस्तकें पढ़ डाली। लेकिन इस बार विलियम के गांव में सूखा पड़ने के कारण फसल इतनी खराब हुई कि उसे केवल 2 महीने तक ही चलाया जा सकता है। अब विलियम का पिता मजबूरन अपने घर की लोहे की छत को कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे जमा करने चला जाता है। सब्सक्राइब करो, पार्ट 2 जल्द आएगा।